बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे। इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास सालन पड़ा था, आलू गाजर मटर पाकिस्तानी कैरेट ली थी वेजिटेबल मैन से। तो मैंने सोचा सालन पड़ा है, ज़ाया नहीं करते, तो उसके मैं चावल बना लेती हूँ। चावल तो ऑल टाइम सबके फेवरेट है ना। तो इधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, रात को स्नो भी पड़ी थी लाइट सी, अब धूप माशाल्लाह काफ़ी है। हाँ जी, तो इधर मैं बना रही थी चॉकलेट चिप कुकीज़, मिक्स पैकेट था जे, तो उसका मैं बनाऊंगी। तो जे मैं अब इसे ठीक कर रही हूँ, तो हाथों को ग्रीस करके फिर बॉल बनाती हूँ। अच्छा, तो जे मैंने बॉल बना लिए थे, तो इसे मैं 180 पे लगा रख दूँगी ओवन में, प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पर। तो हुण हो गए हैं मेरे भांडे धोने वाले, देख लो किचन का हाल। फटाफट मैं बर्तन धोव, किचन साफ करा जी। तो चावल हम दम आ गया होना वा, चेक करते हैं विचे पंजाबी भी मेरी सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मैं फिर टच थोड़ा जहा देता सी बिरयानी मसाला पा दिता सी, तो नाल फिर पंजाबी टच पक्की एशियन टच जिंदा असी करते देता सीगा, तो हम चेक करते हिला के किदा दी बनी बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करके दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, बिरयानी की तरह जो बन गया है, तो जो बिरयानी तो नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। जे मिक्स वेजिटेबल चावल पुलाव कह लें, वेजिटेबल पुलाव, तो इसमें वैसे मैंने कलर वगैरह डाल दिया था, बच्चे बिरयानी समझ के खा लेंगे। वैसे तो चावल वगैरह खा लेते हैं, लेकिन वेजिटेबल इसमें डाली हो तो पता नहीं नखरे करें। तो बहुत नाइस बनी है, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक था। तो अब 10 मिनट के लिए मैंने कुकी को ओवन में रख दिया था, 10-12 मिनट बाद चेक करती हूँ, बस 3 मिनट तक मैं चेक करती हूँ अब जी। तो ये कुकी हमारे रेडी है, इसे मैंने 12 मिनट के लिए ओवन में 180 डिग्री पर रखा था, तो माशाल्लाह बहुत नाइस बने। आप बिग साइज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल साइज रखा है, जैसे बच्चे लाइक करते हैं, बड़ा हो तो खाया नहीं जाता, तो फिर मैंने नॉर्मल साइज ही बनाए थे। तो जी, शाम को पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा चले आज पिज़्ज़े ऑर्डर कर लेते हैं, बच्चे शौक से खाएंगे। मेरी सिस्टर ने भी ऑर्डर किए थे और साथ ही मैंने भी ऑर्डर कर लिए, फिर मैंने सोचा चले बच्चे खा लेंगे। बहुत नाइस था पिज़्ज़ा माशाल्लाह, एक था चिकन पार्टी पिज़्ज़ा और एक था एशियन स्पेशल। तो इसके ऊपर ग्रीन चिली भी डाली थी, एक पिज़्ज़े पे डलवाई थी, एक पे नहीं, बहुत तेज़ थी। तो इसके बाद मैंने सोचा चले क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ घर की, ये किचन की पहले करूँगी, उसके बाद लिविंग रूम की करूँगी। जी, मैं बेटी के लिए शूज़ लेके आई थी प्राइमार्क से, उसके फिट नहीं आए, स्मॉल है उसके, वैसे 3 साइज आ जाता है, लेकिन ये नहीं आया उसके फिट, तो मैंने सोचा चले चेंज करवाऊंगी फिर और ले आऊंगी। नाश्ते के लिए आलू का पराठा बनाया था, साथ चाय वगैरह थी, चटनी वगैरह के साथ मैंने लेट नाश्ता किया था, तो बहुत नाइस बना था, थोड़ा सा हैवी पराठा था बना। तो फिर मैंने हेयर कलर किया था, बाहर स्नो पड़ी हुई है और मैंने हेयर कलर कर लिया,
इधर सारा कुछ ही करना पड़ता है, यूके में स्नो में भी। देखें जो कुकीज बनाई थी, एक बची, बाकी सारी फिनिश। माशाल्लाह बच्चों ने भी खा ली, सब ने लाइक की। तो किचन की क्लीनिंग हो गई थी, मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा दूँ, किचन एंड साफ हो गया था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।